सहारनपुर के थाना बड़गांव में 11 दिन पहले मृत नूरजहां का केस पुलिस के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि शव को दफना दिया गया था, लेकिन नूरजहां के पिता को शक है कि उनकी बेटी की हत्या दहेज के लिए की गई है, इसलिए उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले में जांच की मांग की थी। भाई असल में जो है ना दहेज के दहेज का मांग करते थे, मतलब जो है कभी मारते कभी छेदते, बोलते हमको ये चाहिए, फ्रिज चाहिए, भाई ये चाहिए, मतलब जो है हमने उनकी मांगें पूरी भी की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी जो है ना इनको शर्म नहीं आई और इन्होंने जो इसका जो है मर्डर कर दिया। वहीं पुलिस ने डीएम से पत्र मिलने के बाद 11वें दिन शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोदय के आदेश के क्रम में मैं यहाँ आया हूँ और प्रकरण यह है कि नूरजहां नाम की महिला की यहाँ कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी, उसके परिजनों द्वारा जो है आपत्ति किए जाने पर जो है उसके कब्र से उसका डेड बॉडी पुनः निकलवा के पुलिस की उपस्थिति में और उसको सील बंद करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जानी है। विवाहिता की मृत्यु 27 जून को हुई थी, जिसके बाद परिजनों को शक था कि उनकी लड़की की हत्या की गई है, लेकिन ससुराल वालों ने शव को दफना दिया, जिसके बाद से पीड़ित पिता न्याय के लिए भटक रहा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।